नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ, कुछ बच्चे नए जुड़े हुए हैं तो वो इस वीडियो को देखने से पहले इसका एक नंबर सिस्टम का पार्ट वन आई हुई वीडियो वो देख लो, फिर इस पे आना। क्योंकि अगर ये वीडियो डायरेक्ट इसी वीडियो पे आओगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगी। पहले इसका पहला पार्ट देख लो, फिर इसके सेकंड पार्ट पे आना है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट पे जाने के लिए। और कुछ बच्चों को इस चैप्टर के अंदर क्या है कि प्रॉब्लम आ सकती है। ये चैप्टर मैंने ऐसा चैप्टर उठाया जो पूरे मैथ का बेस चैप्टर है। और इसको बेस करवाने का मतलब ये है कि आपका कोई भी चीज मॉर्निंग टाइम में सुबह उठ के सबसे पहले वो चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं जो थोड़ी सी टिपिकल हो, ताकि माइंड क्या होता है सुबह सुबह अपना फ्रेश होता है। तो वही सेम प्रोसेस है मैथ को स्टार्ट करने के पीछे। पहले मैंने ये चैप्टर उठाने के पीछे कारण ये था कि आपका फ्रेश माइंड है अभी, और हम पहले वो चीजें स्टार्ट करेंगे जो आने वाले टाइम में थोड़ी सी टिपिकल लग सकती हैं। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। इतना आसान अगर होता तो हर कोई कर लेता, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे कि एक बच्चे को चलने के लिए कई सारी प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है ना, वो पहले बैठना सीखता है, फिर रेंगना, फिर धीरे धीरे खड़ा होना, फिर चलना, फिर दौड़ना सीखता है। ऐसे नहीं डायरेक्ट बच्चे ने जन्म लिया और वो दौड़ना सीख जाएगा। तो वही प्रोसेस यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, आपको एक बार वीडियो समझ में नहीं आ रही तो उसको दो बार देख लो, फिर उसको नोट कर लो, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम उसका रिविजन करो। ऐसी बातें नहीं है कि समझा नहीं है। स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम हम करते थे उस टाइम हमारे को भी ऐसी प्रॉब्लम आती थी स्टार्टिंग में, पर ये नहीं है कि अब उस टाइम प्रॉब्लम आई तो उस चीज से हम छोड़कर भागना स्टार्ट कर देंगे। भागना किसी चीज से, किसी प्रॉब्लम से भागना उस चीज का सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है उसके सामने डट कर उस चीज का मुकाबला करना। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें जो प्रॉब्लम्स आएगी उसको तो सॉल्व हम कर ही लेंगे। बस आपने क्या करना है, आपने इसके मेरे साथ में इस चीज को, चैप्टर को करते रहना है, और सिर्फ चलना सीखना है। यहाँ से चलने सीखने का मतलब यह है कि आप इससे जो मैं करवा रहा हूँ उसको साथ में बने रहिए, चलना सीखिए, दौड़ना मैं अपने आप सिखा दूंगा। जब ये चैप्टर कंप्लीट होएगा ना, ये चैप्टर इसके पूरे कंसेप्ट कंप्लीट होएंगे, आफ्टर देन आप देखोगे कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपको न आता होगा। कंसेप्ट सीखने में थोड़ा सा टाइमिंग लगती है, थोड़ा सा माइंड का थोड़ा ज्यादा यूज होता है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन करने में। कंसेप्ट अगर सीख गया तो आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा के क्रैक कर दोगे। तो ठीक है, चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो कल अपन ने जो किया था उसका थोड़ा सा एक ब्रीफ पीछे का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अपन एक नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। नंबर सिस्टम के अंदर अपन ने रियल नंबर्स के बारे में पढ़े थे, इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था। रियल नंबर क्या था, रियल नंबर वो नंबर थे जिनको नंबर लाइन के ऊपर शो किया जा सकता है। जो कि अपन ये भी बात की थी कि जो आज तक अपन किए वो सारे सारे मोस्टली रियल नंबर ही किए हैं। इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़े से हाई क्लासों के अंदर आते हैं। तो रियल नंबर को अपन फर्दर दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया था, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स वो थे जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग थे। कहने का मतलब वो है कि वो नंबर वो थे जिनको रूट की फॉर्म के अंदर लिखा जाता है बट उनका कंप्लीट रूट नहीं होता है। जिनका कंप्लीट रूट होता था वो किस में आ गए थे, हमारे पास रेशनल नंबर के अंदर आ गए थे। तो रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर के अंदर मैंने कल आपको बताया था जो क्या होते हैं, हमारे पास तीन कंडीशन फॉलो करते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी, पी और क्यू दोनों दोनों इंटीजर होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या थी कि क्यू इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू जीरो। और इसमें इंटीजर भी मैंने आपको बताया था। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है भाई, इंटीजर वो होता है कि जो नंबर लाइन थी उसके ऊपर, जैसे जीरो जीरो के बाद में वन, वन के बाद में टू, इधर माइनस वन माइनस टू, ये वाली चीजें उठाता है उसको इंटीजर कहा था। क्योंकि जीरो के बाद में वन, वन के बाद में टू उठाता है, बीच में से आधा पौना सवा वो चीजें नहीं उठाता है। तो जीरो के बाद में वन, वन के बाद में टू। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये नेगेटिव से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक होता है, उसको क्या कहते हैं हमारे पास, पूर्णांक कहते हैं या इंटीजर कहते हैं। इसके अंदर अपन ने देखा था जो जीरो से जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ये सारे सारे क्या थे हमारे पास में, रेशनल नंबर थे। नेगेटिव वाले भी थे, डिवाइड वाले भी थे, डेसिमल्स वाले भी थे, और रूट जिनका कंप्लीट रूट होता था वो क्या थे हमारे पास में, रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर को समझने के लिए मैं तीन पार्ट में कैटेगराइज कर रहा हूँ। ये नहीं है कि बुक के अकॉर्डिंग मैंने अपने हिसाब से इसको समझाने के लिए तीन पार्ट के अंदर कैटेगराइज कर लिया है। वो तीन पार्ट कौन से कैटेगराइज किए, जो पहला है हमारे पास में इंटीजर, दूसरा है हमारे पास में फ्रैक्शन, और तीसरा है हमारे पास में डेसिमल्स। पहला है जो इंटीजर, उसको क्या कहते हैं हमारे से, पूर्णांक।
और इंटीजर प्रोनाउंस या भलीभांति जान बाकी वो क्या है हमारे पास में, मैंने आपको करवाया भी था कि इंटीजर क्या थे, जो जीरो के बाद में वन, वन के बाद में टू, टू के बाद में थ्री, ऐसे नंबर्स लेता है, न कि जो बीच के नंबर्स होते हैं वो लेता है। और फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन के बारे में अपन जानेंगे, डेसिमल्स क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। फ्रैक्शन नॉर्मली बता देता हूँ, पी वाई क्यू की फॉर्म में होता है, पर रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में अंदर डिफरेंस होता है, जब आप फ्रैक्शन पढ़ेंगे तब बताऊंगा। डेसिमल्स होते हैं जो दशमलव वाले थे, ये भी आगे दो तीन प्रकार के होते हैं, जैसे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, वो भी आगे चल के करेंगे। लेकिन अभी हम किस चीज़ के बारे में जानेंगे डिटेल में, इंटीजर के बारे में जानेंगे, और इंटीजर के अंदर भी पॉजिटिव इंटीजर के बारे में जानेंगे। इंटीजर के बारे में बता देता हूँ पहले आपको, सबसे पहले तो इंटीजर में अपन ने क्या पढ़ा था, इंटीजर में अपन ने पढ़ा था सबसे पहले किसके बारे में, इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, पूर्णांक। और वो क्या थे हमारे पास में, मैंने ये बताया था आपको, एक नंबर लाइन है उसके ऊपर नंबर है जीरो, वन, टू, थ्री, इधर क्या थे माइनस वन, माइनस टू एंड माइनस थ्री, ये वाले नंबर थे। तो इनको अपन क्या कहा था, इंटीजर कहा था, क्या कहा था, इंटीजर। इनके बीच में नंबर नहीं होते, बीच के नंबर का आने का मतलब जीरो के बाद में वन आएगा, वन के बाद में डायरेक्ट टू आएगा, टू के बाद में क्या आएगा, थ्री आएगा, या जीरो के बाद में माइनस वन आएगा, माइनस टू आएगा, माइनस थ्री आएगा, बीच वाले इनके अंदर नंबर नहीं आते, इन सभी को क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। दूसरी बात, ये जो वन से स्टार्ट होकर इधर पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, इनको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं इनको, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और माइनस वन से स्टार्ट होके इधर की तरफ आ रहे हैं उनको कहते हैं क्या, नेगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं इनको, नेगेटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। जो जीरो होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। क्यों ना पॉजिटिव होता है, क्यों नेगेटिव नहीं होता, देखो जैसे फाइव है, फाइव के अंदर मैं जीरो ऐड करता हूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, फाइव रिजल्ट आ रहा है तो मतलब ये पॉजिटिव है, नहीं है। मैं फाइव के अंदर में से जीरो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो फाइव आ रहा है, क्या ये नेगेटिव है, नहीं है। अगर नेगेटिव होता तो कुछ ना कुछ इसके ऊपर जरूर इफेक्ट डालता, तो ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। इतनी बात आ गई समझ में, कि जीरो है वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, लेकिन वन टू थ्री फोर फाइव ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये वाले क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। ये पॉजिटिव नेगेटिव को कैटेगराइज करने के बाद में इसको फर्दर अपन इसको और अच्छे से समझने के लिए इसको डिवाइड कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। जो नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरीके से चलते हैं, पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, इनको एक और नाम भी दे देते हैं, उनका नाम होता है हमारे पास में नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं इनको, नेचुरल नंबर। हिंदी में बताऊंगा, नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है जी। तो ये जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सारी सारी क्या होते हैं हमारे से, नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और जो संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, ध्यान देना, जो संख्या जीरो से स्टार्ट होके और पॉजिटिव की तरफ जाती है, मतलब जीरो से स्टार्ट होके पॉजिटिव की तरफ जाती है, उनको क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, डब्ल्यू एच ओ एल ई, होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, होल नंबर। और हिंदी में क्या कहते हैं इनको, इनको कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। यहाँ पे मैंने आपको पूर्णांक करवाया है, क्या करवाया है, पूर्णांक, और यहाँ पे क्या है, पूर्ण संख्या है। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, होल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं जीरो से, और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, वन से। तो अच्छा, इनको ना एक अच्छे से समझने के लिए एक डायग्राम करवाता हूं आपको। सबसे पहले देखो, ये सबसे छोटा है हमारे पास में क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है ये, नेचुरल नंबर है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो किस से स्टार्ट होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये वाले होते हैं ना हमारे पास में, क्या होते हैं ये, नेचुरल नंबर होते हैं। और नेचुरल नंबर सारे के सारे किसके अंदर आ गए, देखो होल नंबर है, होल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ये है। और नेचुरल नंबर कौन से, वन टू थ्री फोर फाइव, ये वाले। तो जो वन टू थ्री फोर फाइव है वो जो होल नंबर के अंदर नहीं है क्या, है ना, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो वन टू थ्री फोर फाइव तो ऑलरेडी इसके अंदर आ गई। और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे, वन से। तो कहने का मतलब है जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे सारे किसके अंदर होते हैं, होल नंबर के अंदर होते हैं। तो कहने का मतलब है जो नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे सारे किसके अंदर होते हैं, होल नंबर के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं,
होल नंबर के अंदर होते सकते हैं। तो यहां से आप कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बट नॉट नेसेसरी एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं हो। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि होल नंबर के अंदर तो जीरो भी आते हैं, होल नंबर के अंदर जीरो आता है पर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता है, तो इसलिए सारे के सारे होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। उसके बाद में आता है, अगर इसको और मैं डिवाइड करना चाहूं, ये सारे के सारे जो नेचुरल नंबर और होल नंबर है ये सारे के सारे किसके अंदर है, इंटीजर के अंदर नहीं है क्या? ये तो सारे के सारे इंटीजर ही है, तो इसका मतलब हो गया ये सारे के सारे क्या है हमारे पास में, ये क्या है, इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक है। क्या है ये? पूर्णांक है। ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद में होल नंबर, होल नंबर के बाद में इंटीजर। अच्छा, इसको और भी डिवाइड कर देते हैं भाई, इंटीजर किसका पार्ट है भाई, इंटीजर किसका पार्ट है, रेशनल नंबर का। इंटीजर किसका पार्ट है, रेशनल नंबर का। इसका पार्ट है रेशनल नंबर का। ठीक है, सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं, रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। इंटीजर किसके अंदर आ जाते हैं, रेशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं। और एक और पार्ट करवाया था मैंने इसका ही, ये जो सारे के सारे रेशनल नंबर है वो किसके अंदर आ जाते हैं भाई, सारे के सारे रेशनल नंबर किसके अंदर आ जाते हैं, वो आते हैं हमारे पास में किसके अंदर, रियल नंबर के अंदर। किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर। दिखाई दे रहा है सभी को, ये रेशनल नंबर है और ये रियल नंबर है। ये दोनों को मैंने आर से डिनोट नहीं किया क्योंकि इसको अंदर रेशनल आर आ गया और इसके रियल के अंदर भी आर आ गया, तो ये हमारे पास में क्या है, रियल नंबर। क्या है, रियल, रियल नंबर। ठीक है, तो सारे, अब आपसे पूछो, देखो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं यहां से, देखो कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। सारे के सारे होल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। सारे के सारे इंटीजर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। सारे के सारे रेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अगर आपको ये डायग्राम आता है ना, ये डायग्राम आता है, तो आप इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए एक दूसरे को अल्टरने पलटने का, तो आप कहीं पे भी मार नहीं खाओगे। तो अगर आप पूछ ले कि सारे के सारे इंटीजर क्या होल नंबर होते हैं, नहीं होते भाई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटीजर हैं जो इंटीजर के अंदर तो आते हैं पर होल नंबर के अंदर नहीं आते, क्योंकि इंटीजर के अंदर तो नेगेटिव चीजें भी आती है पर होल नंबर के अंदर नेगेटिव चीजें नहीं आती। क्या सारे के सारे रेशनल नंबर है वो इंटीजर होते हैं, नहीं होते भाई। क्यों नहीं होते भाई? रेशनल नंबर के अंदर तो हमारे पास में डेसिमल्स वाले भी आते हैं, रूट वाले भी आते हैं, बिना रूट वाले भी आते हैं, तो क्या इंटीजर के अंदर आते हैं, नहीं आते भाई। डेसिमल्स वाले तो इसमें नहीं आते, जो फ्रैक्शन के फॉर्म के अंदर होते हैं, वो जो डेसिमल्स के फॉर्म के अंदर होते हैं वो वाले नहीं आते। क्या सारे के सारे रियल नंबर है वो रेशनल नंबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते भाई, क्योंकि सारे सारे रियल नंबर है वो रेशनल नंबर नहीं हो सकते। जैसे रूट टू है, रूट थ्री है, रूट फाइव है, वो तो रेशनल नंबर तो है बट सॉरी रियल नंबर तो है बट रेशनल नंबर नहीं है। तो यहां से मेरी शायद आपको सारा समझ में आ गया होगा कि ये आज के बाद में इन चीजों में डाउट नहीं रहेगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, सॉरी रियल नंबर्स क्या होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक सी चीजें हैं, पर ये करने से, ये ऐसा एक चैप्टर है बिल्कुल बेस है, अगर ये चीजें आपको नहीं आएगी तो चैप्टर आगे मैथ करने में दिक्कत आएगी, तो करके इसको जरूर अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो यहां से ये चीजें समझ में आ गई, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, ओके, आगे इसको हमारे पास देखो, अब मैं जो इंटीजर था हमारे पास, इंटीजर था, मैं यहां पे बना देता हूं इंटीजर, ये क्या था, 0, 1, 2, 3। तो ये वाले जो नंबर है इनको क्या नाम दिया था अपन ने, पॉजिटिव इंटीजर। क्या नाम दिया था, पॉजिटिव इंटीजर। अब इस पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे, और पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे मतलब 1, 2, 3, या फिर इसको पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, नेचुरल नंबर्स के बारे में या पॉजिटिव इंटीजर इसको भी कह सकते हैं। एक बात और बता देता हूँ, ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, एक नाम हो रहा था यहाँ पे, वो क्या है, अगर मैं जीरो से इसको काउंट कर लेता हूं तो ये जीरो है वो नेगेटिव तो नहीं है ना, ना ये पॉजिटिव है, तो इसको एक नो और नाम दे देते हैं, इसको नॉन, इसको नाम दे देते हैं हमारे पास में नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव नंबर का मतलब हो गया होल नंबर। क्या हो गया, होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है हमारे पास में, पूर्ण संख्या। तो नॉन नेगेटिव का मतलब है तो जो नकारात्मक नहीं है, तो जीरो नकारात्मक तो नहीं है ना, 1, 2, 3, 4 ये तो ऑलरेडी नकारात्मक नहीं है,
तो जीरो नकारात्मक तो नहीं है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव नंबर। इन नॉन नेगेटिव नंबर को उठा के और इनसे अपन ये चीजें सीखने स्टार्ट करेंगे। वो क्या है हमारे पास में, तो हमारे पास में सबसे पहले जो सीखने जा रहे हैं वो हमारे पास में प्राइम नंबर, जिसको अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरा हमारे पास में कंपोजिट नंबर, जिसको भाज्य संख्या कहते हैं। और एक होता है कोप्राइम, जिसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ये भाज्य के भाज्य और अभाज्य को कंबाइंड करने में बनाया गया है। इसके अंदर थोड़ी सी हमारे को एचसीएफ की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी हम बात करें किसके बारे में, प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इस चीज को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ। आपने एक नाम सुना होगा, स्पेस नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे चला जाता हूँ। ये देखो यहाँ पे एक नाम होगा, उसको कहते हैं फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, गुणनखंड। शायद छोटा लिखा दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, सुनते जाओ। फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणनखंड का मतलब होता है गुणा प्लस में खंड, गुणा प्लस में खंड। गुणा खंड का मतलब होता है ऐसा जिसको गुणा के रूप में होना चाहिए, और खंड का मतलब होता है टुकड़े। का मतलब क्या होता है, टुकड़े। गुणा के रूप में टुकड़े, किसी भी चीज के गुणा के रूप में उसके टुकड़े करना क्या कहलाता है, गुणन खंड कहलाता है। गुणा के रूप में किसी चीज के टुकड़े करना क्या कहलाता है, गुणन खंड कहलाता है। जैसे छे है, मैं उसको छे को क्या लिख सकता हूँ, 1 × 2 × 3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 ऐसा लिख सकता हूँ। जैसे मैंने 8 को लिखना, 8 को कैसे लिख सकता हूँ, 1 × 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ। 1 × 2 = 2, 2 × 4 = 4, 2 × 8 ऐसे ही था, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8 ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, इसके फैक्टर कहलाते हैं या फिर गुणनखंड कहलाते हैं। ये क्यों करवाया भाई, क्योंकि ये हमारे पास में जरूरत पड़ेगी किसके बारे में। ये देखो मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा फैक्टर, क्या नाम लिखा है, फैक्टर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, गुणन खंड कहते हैं। तो इस फैक्टर को या इस हमारे पास प्राइम नंबर को समझने से पहले किस चीज के बारे में बता होना चाहिए, हमारे पास गुणन खंड के बारे में बता होना चाहिए। तो चलो अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर होते हैं क्या है, अभाज्य संख्या होती क्या है। पहले इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, फिर इसको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ए नंबर विच हैव ओनली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर। टू डिस्टिंक्ट फैक्टर का मतलब होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। ऐसे नंबर, ऐसा नंबर जिसके हमारे पास में दो फैक्टर मतलब दो गुणनखंड होते हैं। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 यहाँ पे 3 फैक्टर है, यहाँ पे कितने 1, 2, 3, 4 यहाँ पे 4 फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे ये कहता है तो दो अलग अलग फैक्टर होने चाहिए। फैक्टर कितने होने चाहिए, दो ही फैक्टर होने चाहिए, और वो भी क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ये कहता है नंबर विच हैव ओनली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर, वन फैक्टर इज 1 and other factor is 1 नंबर इटसेल्फ। दूसरा है वो क्या होना चाहिए, खुद नंबर होना चाहिए। कहने का मतलब हिंदी में बताता हूँ आपको क्या है। ये कहता है कि हमारे पास में अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके हमारे पास में दो गुणनखंड होने चाहिए, दो गुणनखंड होने चाहिए। पर एक कंडीशन है, वो दो गुणनखंड होने कौन कौन से चाहिए, एक तो होना चाहिए खुद 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए और एक खुद वो नंबर होना चाहिए, एक वो नंबर होना चाहिए और एक एक होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल ले देता हूं, जैसे 2 लिख रखा है मैंने, 2 के गुणनखंड करोगे क्या आएगा, 1 × 2 दो ही गुणनखंड बने ना, एक तो एक आ गया और एक सॉरी एक तो एक आ गया और एक क्या आ गया हमारे पास में 2 आ गया, 1 × 2 तो 1 × 2 का मतलब हो गया है हमारे पास में, एक तो एक, ये एक हो गया खुद हो गया, और नहीं एक तो एक हो गया और एक दो हो गया, ये खुद हो गया। जैसे 3 के फैक्टर करना चाहूं तो मैं क्या आएंगे हमारे पास में, 3 के फैक्टर आएंगे 1 × 3 तो एक तो एक हो गया और एक वो खुद हो गया। 5 के गुणनखंड करना चाहो तो क्या आएंगे हमारे पास में, 1 × 5 एक एक हो गया और एक 5 खुद हो गया। 7 के गुणनखंड करो तो क्या आएगा, 1 × 7 तो 1 एक तो 1 हो गया और दूसरा क्या होगा, 7 खुद हो गया ठीक है। अगर इसके अलावा अगर मैं ये कर देता कि 4 लिखता, 4 को क्या लिखता, 1 × 2 × 2 ऐसा भी लिख सकता हूं, तो हमारे पास में क्या है, इसके फैक्टर फैक्टर और अच्छा इसके और भी फैक्टर हो सकते हैं, वो कौन से है हमारे पास में, देखो 1 को फैक्टर का मतलब होता है उस चीज को डिवाइड करने वाला, 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है और 3 भी कर सकता है, सॉरी 3 नहीं सॉरी 4 क्या है 4, तो इसको 1 भी भाग कर सकता है, 2 भी भाग कर सकता है, लेकिन 4 भी भाग कर सकता है। और इनको क्या है, इनको सिर्फ और सिर्फ कौन भाग कर सकते हैं, जैसे 2 है, 2 को एक तो 1 कर सकता है और एक 2 खुद कर सकता है, इसके अलावा तो कोई भाग नहीं कर सकता, उसको डिवाइड नहीं कर सकता ना। और इसी तरीके से जैसे 3 है, 3 को कौन डिवाइड कर सकता है, 3 को सिर्फ और सिर्फ एक 1 डिवाइड कर सकता है और एक 3 से भाग जा सकता है।
पांच को किस किस से भाग जा सकता है भाई? पांच है वो एक एक से जा सकता है और एक है पांच से भाग जा सकता है। सात है वो किससे भाग जा सकता है? एक एक से भाग जा सकता है और एक सात से भाग जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास इतनी बात समझ आ गई कि जिन चीजों को हम सिर्फ और सिर्फ वन और एक खुद उस संख्या से भाग कर सकते हैं, वही संख्या क्या कहलाती है हमारे पास में? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहलाता है। तो ये उनको क्या कहते हैं हमारे से? प्राइम नंबर। और एक कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कौन सी है? वो है दो है। कौन सी है? दो है। कंपोजिट नंबर जिसको भाज्य संख्या, अब भाज्य संख्या कौन सी होगी? भाज्य संख्या वो संख्या होगी जिसके अंदर कम से कम दो फैक्टर तो होने चाहिए, बट वो दोनों दोनों फैक्टर क्या हो सकते हैं हमारे पास में? दो तो होने चाहिए, दो से ज्यादा होने चाहिए, दो से ज्यादा होने चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा? मोर देन टू, और वो भी डिफरेंट फैक्टर। डिफरेंट फैक्टर का मतलब हो गया हमारे जैसे दो दो से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए, और वो दोनों तीनों दो से ज्यादा हो गया मतलब तीन हो गए कम से कम, तो तीन होंगे तो वो तीनों तीनों क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। जैसे चार है, चार को कौन कौन डिवाइड कर सकता है भाई? एक तो एक भी कर सकता है, ये दो से भी जाता है और चार से भी जाता है, तो कम से कम तीन हो गए ना। अच्छा, आठ को कौन भाग कर सकता है? एक एक कर सकता है, दो भी कर सकता है, चार भी कर सकता है और आठ भी कर सकता है। ये चार चीजों से भाग जा रहा है, तो कम से कम ये क्या कहा है? कम से कम थ्री, मतलब मोर देन टू का मतलब है दो से ज्यादा। दो से ज्यादा तो तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, छह भी हो सकता है। तो कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कौन से होते हैं? वह संख्या जो एक और खुद को छोड़कर किसी अन्य से भी भाग जाए। कहने का मतलब है इन नंबर विच हैव मोर देन टू डिस्टिंक्ट फैक्टर, दो से ज्यादा संख्याओं से भाग जाने वाली संख्या को क्या कहते हैं हमारे पास में? कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन सा है हमारे पास में? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है वो कौन सा है हमारे पास में? फोर है। अब कहते हैं सर जी इसमें वन तो आया ही नहीं, ना तो इधर आया और ना ही इधर आया, तो याद रखना वन है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। वन इज नाइदर भी प्राइम नंबर नोर भी कंपोजिट नंबर। एक न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या, ना भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। यहाँ तक आ गया इसमें। चलो आगे चलते हैं। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बाद में आता है हमारे से को प्राइम नंबर। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है? को प्राइम नंबर सिंपल शब्द है जिसको सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है? कोई भी दो नंबर, कोई भी दो नंबर जिनका HCF, HCF का मतलब होता है महत्व समावर्तक। महत्व समावर्तक क्या हो? एक हो, तो उनको क्या कहते हैं हमारे पास में? को प्राइम नंबर कहते हैं। कहने का मतलब है कि दो कोई भी नंबर है उनके बीच का कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है साझा गुणनखंड। साझा गुणनखंड नहीं होना चाहिए उनके अंदर कोई भी एक के सिवा, तो उनको क्या कहते हैं को प्राइम नंबर है। जैसे हमारे पास है पांच और सात की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पांच और सात लिखा, शायद छोटा लिखा है, इसको बड़ा लिख देता हूँ। एक तो पांच और सात है। अब पांच और सात को देखो, इसमें से साझा गुणनखंड निकालना है। पांच को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक, तो एक इसका गुणनखंड होता है और एक इसका पांच गुणनखंड होता है। सात को लिख सकता हूं मैं एक गुना में सात, ये लिख सकता हूं ना मैं इसके गुणनखंड। अब देखो इनमें से साझा निकाल के देखो, कॉमन निकाल के देखो इनमें से कौन सा निकल रहा है। तो पांच और सात में से कॉमन कौन सा निकल रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये वन निकल रहा है, निकल रहा है ना। तो इसका साझा गुणनखंड कौन सा आ गया हमारे पास में? वन। तो जो चीजें साझी आती है किसी भी चीज के अंदर, दो नंबरों को अगर उनके फैक्टर के रूप में लिखा जाता है और उनके अंदर जो चीजें कॉमन आती है उनको HCF कहते हैं। उनको क्या कहते हैं हमारे पास में? HCF कहते हैं। आगे चल के पूरा कंप्लीट कराऊंगा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। महत्व समावर्तक, महत्व समावर्तक, महत्व समावर्तक, ठीक है। तो जिनका महत्व समावर्तक एक हो, या जिनका HCF एक हो, या जिनका गुणनखंड कॉमन एक ही निकल रहा हो, और वो एक भी कौन सा होना चाहिए? खुद एक होना चाहिए, खुद एक होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं हमारे पास में? को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे हमारे पास में दूसरा एग्जांपल उठाना चाहूं यहीं पे, जैसे हमारे पास में सात और नौ है। दूसरा कौन सा है हमारे पास में? सात और नौ। सात और नौ, सात को मैं कैसे लिख सकता हूँ? वन इंटू सेवन। नाइन को कैसे लिख सकता हूँ? वन इंटू थ्री इंटू थ्री। अब देखो इनमें से क्या चीज कॉमन आ रही है, इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है? इनमें से सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है? वन ही कॉमन आ रहा है, ना तो थ्री कॉमन आ रहा ना सेवन कॉमन आ रहा। तो जिन दोनों में से हमारे पास में वन ही कॉमन आएगा, मतलब इनका HCF क्या हो गया? वन हो गया। या इनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया? वन हो गया। तो जिनका कॉमन फैक्टर वन आए या जिनका HCF वन आए, उन दो संख्याओं को क्या कहते हैं हमारे से? को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? को प्राइम, सह अभाज्य संख्या। इतनी बात आ गई, सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं?
तो मैंने उसे को प्राइम नंबर और सह अभाज्य संख्या के अंदर डिफरेंस पता चल गया कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं और को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। चलो इससे आगे बात में बात करते हैं थोड़ा सा और, इसको आप इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा इस वाकई की और जरूरत है। अब एक टॉपिक और बचा हमारे पास, इसको थोड़ा सा यहाँ तक कर लेते हैं। एक टॉपिक और बचा है, वो क्या है हमारे पास में, आपने एक नाम सुना होगा इवन नंबर। एक होता है इवन नंबर और ओड नंबर। ओड नंबर इसको कहते हैं सम संख्या, क्या कहते हैं इसको, सम संख्या। और एक होता है हमारे पास में विषम संख्या। नाम काफी बार सुना होगा सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या होता क्या है, देखो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि क्या कहते हैं कि जिन जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन सभी को क्या कहते हैं हमारे पास में, सम संख्या कहते हैं। या कहते हैं द नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय टू, दिस नंबर इज कॉल्ड इवन नंबर। और जो दो से भाग ना जाए उनको क्या कहते हैं, ओड नंबर। जो नंबर है वो टू से डिवाइड ना हो उनको क्या कहते हैं हमारे पास में, विषम संख्या। बट वो तो हमारे पास में एक पुराना तरीका हो गया, अब हम एक नया तरीका सीखते हैं। देखो एक कोई भी मैं डिजिट लिख रहा हूँ 7834 ये लिख दिया, तो इसको क्या कहते हैं, पहले हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बताऊंगा, इसको क्या कहते हैं हमारे पास में, इकाई का अंक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इकाई। इसको क्या कहते हैं, दहाई। इसको सैकड़ा और इसको हजार। इसको क्या कहते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और इसको हजार, ऐसे कुछ कहते हैं। ये इसको कहते हैं टेंथ डिजिट, ये हमारे पास में इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा और हजार, ये टेंथ डिजिट होता है, ठीक है। इसको यूनिट, यूनिट डिजिट भी कह सकते हैं, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। तो इसमें बताने की जरूरत क्यों पड़ी, देखो हमारे पास में जो भी इकाई का अंक मतलब जो पहला अंक होता है हमारे पास में, वो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक आ जाए, इनमें से कोई एक आ जाएगा, मतलब हो गया कि हमारे पास में जिसका लास्ट या फर्स्ट जो लास्ट डिजिट होता है वो क्या होता है हमारे पास में, या 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो 8 हो। उसके बाद में जैसे मान लो 10 लिख रहा हूँ, 10 के अंदर भी लास्ट में क्या आ गया, 0 आ गया। 12 लिख रहा हूँ उसके अंदर भी लास्ट में क्या आ गया, 2 आ गया। और 14 लिख रहा हूँ उसमें लास्ट में क्या आ गया, 4 आ गया हमारे पास में। तो कहने का मतलब है जिनका लास्ट डिजिट हमारे पास में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो उसको क्या कहते हैं हमारे पास में, इवन नंबर कहते हैं। चेक करना बता देता हूँ, जैसे मैंने कोई भी बड़ी सारा नंबर लिख दिया 7, 8, 9, 3, 4, 6, 9, 5, 4 ये लिख दिया, कहते हैं इसको हमारे पास में बताओ ये इवन नंबर है या ओड नंबर। तो आपने ये नहीं इसको टू से डिवाइड करके देखो, फिर देखो इसका रिमाइंडर या शेषफल है वो वन आ रहा है या जीरो आ रहा है, फिर चेक करोगे कि हाँ ये इवन नंबर, नहीं। आपने क्या देखना, इसका ये वाला बस लास्ट डिजिट देख लेना, पहला पहला ये जो है यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ये 4 क्या है हमारे पास में, इसमें से है ना, इसमें से ये लास्ट वाला डिजिट देख लिया करो, ये 2 से डिवाइड है या नहीं है। जो लास्ट वाला अगर डिजिट 2 से डिवाइड है तो वो क्या हमारे पास इवन नंबर है, या कह सकते हैं इनमें से कोई एक है या नहीं है, बिल्कुल है, ये 4 हमारे पास इसी में से एक है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, हमारे पास इवन नंबर हो गया। और सॉरी इनको छोड़ के जैसे 0 के बाद में 1, 2 के बाद में क्या 3, 4 के बाद में 5, 7, 9 और ये आपको कहीं पे भी लास्ट के अंदर मिलते हैं तो वो क्या होगा हमारे पास में, ओड नंबर होगा। जैसे कि हमारे पास में 7, 8, 9, 3, 4, 5 ये लिख दिया मैंने, तो इसमें लास्ट में क्या रहा, 5 है, तो 5 क्या हो गया हमारे पास, ओड नंबर होगा। कोई सा भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने 0, 9 लिख दिया तो ये भी क्या हमारे पास में, ओड नंबर है भाई, ठीक है। तो इवन नंबर क्या होते हैं, जिसके लास्ट में क्या होते हैं 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं वो तो हमारे पास इवन नंबर होते हैं, और जिनके लास्ट के अंदर क्या आते हैं 1, 3, 7, 1, 3, 5, 7 और 9 आते हैं उनको क्या कहते हैं हमारे पास ओड नंबर कहते हैं। और ये भी होता है कि सारे इवन नंबर किससे डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं, सारे इवन नंबर क्या होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं, सारी सम संख्याएं क्या होती है, 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या होता है, वो संख्याएं जो किसी भी संख्या को भाग देने पर जिस संख्या का शेषफल 0 बचता हो, रिमाइंडर 0 बचता हो, उसको पूर्णतः विभाजित कहते हैं। एक चीज और सीखने भाई हमारे पास में, जैसे इनका कई बार ना सम आ जाता है, जैसे इनका जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को हमारे पास में सम करना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ, इसको इरेज कर लेते हैं हम थोड़ा सा। नेचुरल नंबर है जैसे हमारे पास प्राकृतिक संख्या है, इनका सम करना आ जाए। सम करने का मतलब होता है जैसे हमारे पास सबसे पहले कौन सा नेचुरल नंबर, मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ इसे, जैसे कि 1+2+3+4 और लास्ट में चल के क्या आ रहा है हमारे पास में
एन आ रहा है, क्या आ रहा है, एन आ रहा है। तो इनका सम करने का तरीका क्या होता है, एक फॉर्मूला बता देता हूं। वैसे देखो ये कितनी संख्या, ये पहली है और दूसरी है, कितनी, दो संख्या होंगी, इनका सम करके देखना कितना आ रहा है, थ्री आ रहा है। अगर चार तक सम करें तो कितना आ रहा है हमारे से, थ्री और थ्री सिक्स आ रहा है, और चार तीन तक और चार तक कितना आ रहा है हमारे से, टेन आ रहा है, कितना आ रहा है, टेन आ रहा है। तो जिन संख्याओं को ऐसे सम करते चले हैं तो हमारे पास में इसी का एक फॉर्मूला था, एन इंटू एन प्लस में वन। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देता हूं, एन इंटू एन प्लस में वन डिवाइडेड बाय टू। पुट करके देखो, जैसे हमारे पास में यहां तक देखो वन और टू का सम कितना आ रहा है, थ्री आ रहा है, तो यहाँ पे संख्या कितनी हो गई हमारे से, वन और टू हो गए ना, तो टू पुट करके देखो, यहाँ पे टू और यहाँ पे रखो टू, यहाँ पे आ जाओ टू इन टू में दो कर में एक जोड़े कितना आ जाएगा, तीन, और बटा में कितना है दो, दो से दो कट कर रहा है तीन, और यहाँ पे भी कितना आ रहा था हमारे पास में, तीन आ रहा था ना। चार रख देखते हैं, तीन संख्या रख के देखते हैं, एन की वैल्यू कितने रखते हैं, तीन रख के देखते हैं, तीन रखे हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तीन, और तीन और एक चार, और भाग में दो, काटो इससे कितने पे कटेगा, टू पे कटेगा, तो थ्री टू जा सिक्स, ये देखो यहाँ पे सिक्स आया था ना। फोर करके देख लो, यहाँ पे फोर करके देख लो, एन की जगह पे फोर, मतलब यहाँ पे चार तक ही आया होता, तो एन की जगह पे क्या रखेंगे, फोर, फोर इंटू फोर प्लस में वन कितना आ जाएगा, फाइव, और डिवाइडेड बाय टू, इस पे काटो कितने पे आ जाएगा, टू पे आ जाएगा, फाइव टू जा कितना हो जाए, टेन। और ये देखो अपन वन से लेके फोर तक ऐड किया था, कितना आ रहा था, टेन, इधर भी क्या रहा है, टेन। कहने का मतलब है हमारे पास में कोई भी नेचुरल नंबर है उनका अगर हमारे पास में सम करना पड़ जाए तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस में वन डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, होल नंबर के लिए सेम रहेगा, क्यों भाई, क्योंकि होल नंबर के स्टार्टिंग में क्या जीरो होते हैं, जीरो को काउंट किसी में करो चाहे ना करो। ठीक है, उसके बाद में आता हमारे पास में कौन सा है, इवन नंबर है, कौन सा है, इवन नंबर को मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ या ई वी लिख देता हूँ। चलो इसमें होता है टू प्लस में फोर प्लस में सिक्स प्लस में एट प्लस में, ये कहां तक चलता है, यहां से लिखो टू एन, टू एन का मतलब होता है एन की वैल्यू वन पुट करके देखो, यहाँ पे वन पुट करो तो दो को एक से गुणा करोगे, दो एकम दो, दो पुट करना है यहाँ पे, ये जो एन है ना, ये एन है, ये एन क्या है, यहाँ पे जो एन है ये एन है वो इन सभी के अंदर जितने भी है हमारे पास जितने भी आएंगे यहाँ पे, यहाँ पे जो n है वो किसको डिनोट कर रहा है, नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर को मतलब होता है प्राकृतिक संख्या में से n दिया गया है, n की वैल्यू एक रख के देखो कितना आ जाएगा, दो एकम दो, n की वैल्यू दो रख के देखो, दो दूनी चार, तीन रख के देखो, दो तीये छह, चार रख के देखो, दो चौके आठ, कहने को मतलब दो का पड़ रहा है तो ये हमारे पास लास्ट डिजिट बनेगा, वो क्या बनेगा, उनसे टू एन बनेगा, प्राकृतिक संख्या में लास्ट डिजिट क्या बनेगा, एन बनेगा। तो इसका जो हमारे पास में सम होता है वो क्या होता है, हमारे पास में इसका सम होता है एन इंटू एन प्लस में वन, पुट करके देख लो, यहां तक सम करके देखो, वन टू और थ्री, इसका छह और चार दस और दो बारह, यहां तक तीन संख्याओं का जोड़ कितना आ रहा है हमारे से, बारह आता है, और संख्या कितनी, वन टू और थ्री, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, थ्री होगी, एन की वैल्यू कितनी होगी, थ्री, तो यहां पर पुट करके देखो, यहां पर अगर थ्री और वन कितना हो जाएगा, फोर, इनकी मल्टीप्लाई करो, थ्री फोर जा कितना होता है, वेलो आ गया ना बारह, तो यहां तक जोड़ किया था, वहां पे कितना आ रहा था, बारह, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है, बारह, ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला हो गया। एक और रहेगा हमारे पास में, इवन नंबर के बाद में ओड नंबर आता है हमारे पास में, क्या आता है, ओड नंबर, ओड नंबर क्या आता है, वन थ्री फाइव सेवन, लेकिन इसको लास्ट में जो लिखते हैं वो क्या होता है हमारे पास में, ये होता है टू एन माइनस में वन, टू एन माइनस में वन, देखो जितने भी सम संख्या होते हैं ना, सम संख्या होते हैं उससे एक कम होता है, उससे एक कम होता है, एन की वैल्यू वन रख के देखो, दो एकम दो, दो में से एक गया एक, अगर हमारे पास में अगर एन की जगह पे हमारे पास में क्या रखते थे, टू रख देते हैं, तो टू टू जाए फोर, फोर में से बन गया कितना रह गया, हमारे पास थ्री रह गया। ठीक है, अगर थ्री रखते हैं तो सिक्स, ओ एन से बन गया फाइव आ गया। ठीक है, तो इसका सम क्या होता है हमारे पास में, एन का स्क्वेयर होता है। ठीक है, इतना आ गया समझे, चलो इस वीडियो में इतना ही, आगे की जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, और आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू।